मां फातिमा आया ऐं धी आया मोहम्मद जी ही जो लफ्ज इस्तेमाल करन जनाब फातिमा धी आया मोहम्मद जी इन इन लफ्ज में एक राज छुपल हो जो कयामत तई इंसान समझी न सके कयामत तई इंसानन के जो जवाब दिनो फातिमा छाचो मां रसूल जी धी आया यानी जनाब फातिमा कयामत अचण वाले इंसानन के एकड़ो जवाब दिनवा अगर का भी सहरा जी थी आहे तो वह आज पेश थे फातिमा बुधायो तो न मोहम्मद जी थी फकत माया ई काई मोहम्मद जी थी बने नारे हैदरी अगर भी फातिमा भी और मोहम्मद जी थी हुजे हां फदक जे लाए ऐलान करे हां फातिमा ऐलान कयो आऊं मोहम्मद जी वारिस आया फकत ये ना कुरान जो आया तू पढ़े सब बुजुर्गवार असै खबर जको उन में खुतबे के दिसि चुका हां बाकायदा 17 आयतों जिते जिते विरासत जो तذکرو थुआ कुरान में सब आयतों जनाबे सैयदा ने मैदान में पीही करे पढ़ियो हां पर जनाबे सैयदा एक अजीब वाक्य अन जनाबे फातिमा सलाम अल्लाह अलैहा जी हिस्ट्री के दिसन की जरूरत है समझन की जरूरत है वो छा है इन जे लाल समझ में न तो अच्छे फातिमा मुसलमान के फातिमा समझ में न थी अच्छे जो कुरान की तरफ वजन तो था पर न कुरान की तफसीर के दिसन था न तावीन के असल मसलो होते हैं जैसी ताई कुरान की तावीन और तफसीर के इंसान न समझ दो कुरान समझ में नहीं आएगी विशेष तो इस हाल के किंती इमाम हसन अस्करी अलैहि सलातो व सलाम के दौर में इंसान और बड़ा आलिम हो बुजुर्ग पर दौर जो मशहूर आलिम उन किताब लिखी तनाकुज़ कुरान चले गए तनाकुज़ कुरान कुरान में नक्ज है नक्ज नाम अरबी में यानी एकड़ी आयत भी आयत की मुखालिफत थी कर मौला हसन अस्करी अलैहि सलातो व सलाम वट एक शख्स आयो जो उन इसहाक के किंती जो शागिर्द हो बोला के खबर भी किताब तो लिखे बोला उनके उनके शागिर्द के चोर जे तो पने उस्ताद को रोकी छो न तो जैसे ना मुझे उस्ताद आ एतरा मन उनके तो रोकी सदा जे अच्छा रोके न तो सकी तो भला सवाल तो करिस जे बोला कहड़ो सवाल कयास जे वनीस उनके चोही तो को तू तो ना को जे कुरान कुरान जे आयतन के दरमियान में इख्तलाफ कोनी तो यो तू चे तरफा है या खुदा की तरफा एक जी तरफा है जी सही ही उन सवाल के थी भाई होते उस्ताद वट उस्ताद के थी सही मां ता का एकड़ो सवाल कर तो चा ये जो तू किताब लिखी तो मुझे पढ़े बैठे पे मुझे ज़हन में अच्छी होनी ये आवश्यक सवाल है जैसे सवाल ये बात है जो तना को जो कुरान तो लिखी तो ये तो जो पांचो ख्याल आई खुदा जो है तो वो उन वक्त बैठा हो तो थे भी रहो ऐ चीज तो तुने ज़हन में सवाल के था जैसे मां मुताले के कहो आई मुताले के कहो आई तो मेरी जिंदगी थी ये मुमकिन ही कोनी तू मुझे शागिर्द है मुझे खबर आ तो की इल्मी हैसियत केतरी है ही जो को सवाल आ वो जमीन वारे जो सवाल कोने यो आसमान के रहण वारन या आसमान तो हुकूमत करण वारन जो सवाल है जो सच्ची बताई सवाल किथा आयो है उजे तो मां पाजे मौला आका इमाम हसन अस्करी के खिदमत में वियो तो उजे तो उन वक्त वो तना को जे कुरान वारो किताब फाड़े ए साड़े साड़न का पो एको जुमले लिखे हक आहे हसन अस्करी के तो कुरान जी हिफाजत करे ए मां तो जमा हक आहे फातिमा के तो वा इमामत जो तहफुज करे दुनिया के बुधा छो तावील हिनन जे घर में तफसीर हिनन जे घर में सिर्फ हिनन जे घर में ना ही ना हिनन जा शागिर्द में खाजा बे ओकन के सर याद हो को बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इमाम मूसा काजम जो दौर एक शख्स उन तफसीर लिखी सूरह अलहम जी कई तफसीर लिखे सूरह अलहम जी तफसीर लिखी वने पे हारून रशीद के दरबार में खड़े थे वने पे तो खड़ी तो ना हारून रशीद के दरबार में इनाम मिले तो मुझे ज़हन में इनाम मिले तो बने पे रस्ते में जनाबे पहलून मिली उस जे तुझे चेहरे ते अजीब मुस्कुराहट तू चेहरो तुझे मुस्कुराई धड़ा अड़ो जो खिले तो चेहरो छाके थी हो जे तुम तफसीर लिखी है सूरह हमद जी जे करे तो वन करे तो वन जे भाषा के जण तो अच्छा पहलून उनके जो अच्छा
तो बादशाह दे तो वही ताकि बादशाह तो के ना मिले जिन्हें मुझे यो इरादो को ने मां बस उनके पंजो इल्मी मकाम रे कारण दो जाए जिन्ना जरूर जे अच्छा ठीक है तो तफसीर कयान मुखे बस एकड़ी आयत जी तफसीर बुधो इन में चाले थे तो इया कन अब्दु व इया कन अस्तई वो आलिम वो बुजुर्ग थोड़ी देर सोचन का पो बादशाह के बाद में वापस घर पे गयो बादशाह के बाद में वापस भी हो बालू किस कादे तू तो बादशाह ने भी में जब तू मुखे तफसीर समझाया आज खबर पई तो जगह अहले बैत के दरवाजे के हो बान हकीकी तफसीर कुरान उधन वता कुरान के समझनी हो गई न तो हजारे करोड़े हाफिज होजन के बावजूद दुनिया में तावनी मुतालो करो मुशाहदो करो एतरो जंदा सवड हजारे करोड़े हाफिज हैं हाफिज होजन के बावजूद खुद कुरान जी उनके खबर ही कोनी थी करे जे छा थू खुदा जो कसम है अहले बैत अलैहि सलातो व सलाम ताते एहसान अर्थ कहीं तना में फातिमा सलाम अलैहा व जात جہاں تحفظ امامت کو ترجمہ چاہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تر تعریف ان اللہ جلائے جہاں اللہ جو کو اللہ العالمین جو رب یہ جو کو جملو آنے توحید دیا جناب سیدہ توحید جی حفاظت کرے وری جو کو اگر جملو چاہیے اعلمونی سمجھوں کے انی فاطمہ بنت محمد فاطمہ یا محمد جی تھی آیا وہ رسول اللہ جو رسول اللہ یعنی پہنے توحید جی گالے کری ان کا پو رسالہ جی گالے کری ان کا پو چھاچے کہ ماں علی جی زوجہ ہیں جو کو ولی اللہ امامہ جو تحفظ توحید جو تحفظ نبوہ جو تحفظ ماں پہنچن لفظ میں جہاں تو تو احسان توحید کے زہرہ دو احسانہ نبوت کے زہرہ جو احسانہ امامت کے زہرہ جو ہم آگے جملے داری چاہتے ہیں امام صادق کے آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائیں جہاں کے فاطمہ جی معرفت حاصل تھی ان کے لیلت القدر جی معرفت حاصل تھی لیلت القدر چھا قدر جی رات سمجھے نہ سکیا واقعی قدر کی رات منزل تو چاہے خود قرآن چاہتا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اسا قرآن کے نازل کو قدر کی رات وما ادراک ما لیلۃ القدر ہے انسان تو چھا جا لیلۃ القدر چھا لیلۃ القدر لیلۃ القدر بڑی خدا پار تو بتائے لیلۃ القدر چھائے وہ خیر من الف شہر ہزار سال کا وطیق ایک رات تنزل الملائکت و روح بھی نازل تھا تھے ملائکہ بھی نازل تھا تھے ہی جگہ تھی تھوڑا گور کرنی ضرورت ہے روح این ملائکہ نازل کہاں دیتا تھے کیرا اس نے نازل کہاں تھا ملائکہ اس نے اڑا عمال آئے جو ملائکہ ساوٹا تھے شبِ قدر اچھے تھی ہر سال شبِ قدر تھی اچھے قرآن جدو ملائکہ آجن تھا اہمی معصوب چاہتا فرمائے معصوب فرمائے تھا تو ہاں فاطمہ جی معرفت حاصل گئی یعنی قدر کی حاصل گئی یعنی ایک لمحے ماں ایک نے بزرگ عالم دین کی بدو پر ایک لمحے جے لائے اگر تمہاں فاطمہ ذہن میں رکھو نا تو فاطمہ اساجی آقا زادیا تمہاں کے لعمت القدر میں جتنی عبادت چیز سکے تھی اتنے سواب عطا دو میرے خدا ہی فاطمہ ہے فاطمہ کے درد کرنے کی ضرورت ہے فاطمہ کے سمجھنے کی ضرورت ہے تو فاطمہ آہے چاہ جے تو جو معصوم فرمائیں تھا کہ فاطمہ لعمت القدر میں گورا ہاں بری امام صحابہ کا اصلاح تو جنب فرمائیں تھا لعمت یہ کا لعمت ہے وہ فاطمہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کہ لیلہ ہے لفظ استعمال ہوئی ہے فاطمہ ہے بل قدر ہے یہ جو قدر ہے واللہ اللہ ہے مولانا جی مجھے کوئی بولا ہی تو ان جملے کے لیلہ میں مراد فاطمہ ہے قدر میں مراد اللہ مطلب چھا تو مولا فرمایا تھا ہر انسان تے واجب ہے تو خدا کی معرفت حاصل کرے
ऐं खुदा जी मारिफत जो रात जनाबे फातिमा है जहां वट फातिमा जी मारिफत न हो जे मुमकिन ही कोन हो अल्लाह जी मारिफत हासिल करो ऐं जहां जे कुछ में अल्लाह जी मारिफत आहे ऐं फातिमा जो दुश्मन जे लाइ दिल में नरम गोशो रखे ते पूरा फरमाता वो काज़िब वो काज़िब आहे अल्लाह लानत फि दुनिया व आखिरा लात अल काज़िबीन और फरमान था अल्लाह लानत करे काज़िब ते इन दुनिया में भी ऐं आखिरत में भी नारे हैदरी फातिमा की मंजिलत लैलतुल कद्र है लैलतुल कद्र जिका हजार साल जी इबादत के बराबर बल्कि खैर का इस्तेमाल खैर में ना फीशा खैर खैर यानी साईं बुजुर्ग वारा है शायर भी के जाने तो खैर असल में ही इसमें तफजील है अखियर माने तला है अखियर हो वो कसरत इस्तेमाल में अरबी का कायदो आदि भी करने के खैर के तमाम वधीक ये तो नहीं भलो दो भलो तमाम भलो को तमाम भलो लफ्ज इस्तेमाल करने खैर यानी ये हजार साल का अलाए केतरा मर्तबा वधीक इन रात जो सवाब है मौला फरमाता है एक लम्हे जो लाए अगर तहां सोचो तो फातिमा मुझी आका जादी है यह एतरी इबादत तहां जे नाम है अमान में लिखी थी बने ही फातिमा है ही फातिमा केरा फातिमा जदा असल जना भी सहेला जिंदगी तो जिंदगी के पढ़ो ना वाकया अच्छी ही पाए के टोटल उम्र घणी अभी बेटी अरुणा साल तारी तो अरुणा साल लिखियो ये भी नवन साल में शादी थी नौ साल मुकम्मल में शादी थी नौ साल बाबा साहब गुजारी नौ साल बाबा साहब गुजारी पर नौ साल मौला अली देखा रहे उते जनाबे सैयदा जदा के नौ साल जके पने बाबा साहब गुजारी तो अजीब रसूल खुदा ऐलान नबूवत जो जे मरहलो शुरू को मानो रसूल खुदा के मथा गंद किचो उछलाईदा किचरो उछलाईदा कचरो उछलाई विदा जनाबे फातिमा आई थी वो कचरो हटाई बाबा के वे जारी थी ताइफ में यो रसूल खुदा इतना पत्थर लगा साईं गवाह गवाही नहीं दबा के तारीख में लिखियो जो रसूल खुदा हल हले तो उन पैर का निशान जमीन पे छान पे इतो रत वो मोहम्मद मुस्तफा जो घर आयो फातिमा मुंह धो तो जनाबे फातिमा ने जख्म पे मरहम पट्टी की ये जुमला करे 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 पूछा चे जनाबे रसूल खुदा जने ये इतरो कमाल छिन बनी धो जो चाहे फातिमा तो उम्म अबी फातिमा पंजे बाबा जी अम्मा हर तवज्जो जी लफ्ज दे छाचे हुआ जनाबे रसूल।